ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। हम यहाँ हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको दूध से जुड़े दो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपने ये हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर लिए तो विश्वास मानिए आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको पैसों की तंगी है, तो वह भी ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ आपको गड़ा पड़ा धन भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, ये पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उन्हें पैसों की बेहद तंगी है। आपको करना यह है, शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन, यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, आपको एक पीपल का पेड़ ढूंढ लेना है और आपको दूध लेना है और उस दूध में गाय का दूध हो, इस बात का ध्यान रखें, भैंस का दूध नहीं चलेगा, गाय का दूध हो, और उसमें आपको हल्दी मिला देनी है और उसके बाद आपको ये हल्दी युक्त दूध जो है शुक्रवार के दिन यानी कि शाम के वक्त जाना है और पीपल के पेड़ पे आपको जो पीपल के पत्ते होते हैं उनके द्वारा चढ़ा देना है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा उपाय दोस्तों, ये भी पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है, शुक्रवार के दिन ही करना है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अचानक धन लाभ चाहिए यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति करनी है और इसमें गड़ा पड़ा धन मिलने की भी आशंका बहुत है। आपको ये करना है कि शुक्रवार के दिन ही आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और गाय का कच्चा दूध आपके पास होना चाहिए, उसमें आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला देनी है और आपको फिर से ये है पीपल के पत्ते से ही, जो पत्ते वहाँ पर आप जो हैं तोड़ लें पीपल के और जो हैं साफ़ सुथरे उन्हें गंगा जल से धो के आप उसके बाद ये जो दूध है ये कच्चा दूध होना चाहिए, इसे आप पीपल के पत्तों से ही पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको यह कम से कम 11 बार पत्ते में लेके चढ़ाना है और चाहे तो आप इसे 21 बार भी चढ़ा सकते हैं और अपनी धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लें। दोस्तों फिर आप देखेंगे कि आपके 41 दिन के भीतर इसका फल अवश्य मिलेगा, आपको गड़ा पड़ा धन मिलेगा ही मिलेगा। यह कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन याद रखिएगा इन्हें गुप्त तरीके से ही करिएगा। ये करने के बाद आपको किसी में हल्ला नहीं मचाना है, बताना नहीं है, अन्यथा ये विफल हो जाएंगे। ये जब तक ही सफल होते हैं जब तक कि ये गुप्त रखे जाएं, तो गुप्त तरीके से करिए और इनका लाभ उठाइए। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।